पश्चिम और दक्षिण ओडिशा स्थायी बेंच हेब ना हेब आंदोलनकारी आईनजीवी जेल हाइकोर्ट बेंच समर्थक माने दुखरे सुप्रीम कोर्ट बेंच न होबा पई जाहिर करछंती कड़ा अभिमुख्य मात्र देशर आईन मंत्री को चिट्ठी दुई स्थायी बेंच स्थापना दिगरे उज्जीवित करछी नुआ आशा 27 जनवरी 2023 रे केंद्र आईन मंत्री सुरेश पुजारी को लिखिछंती चिट्ठी जीरो आवर प्रश्न रे खुद केंद्र आईन मंत्री को चिट्ठी राज्य सरकार हाइकोर्ट को आलोचना परे केंद्र को चिट्ठी रो उत्तर देले होई परिबो हाइकोर्ट बेंच बीजेपी सांसद मंतव्य सुप्रीम कोर्ट रे खुद राज्य सरकार को वकील ही दर्शाई थिले वीसी जुग रे बेंच रो आवश्यकता नहीं थरे भलो करी नजर पकांतु केंद्र आईन मंत्री किरण रिजु बरगढ़ सांसद सुरेश पुजारी को चिट्ठी रखिथिबा उत्तर उपरे जेउथरे आईन मंत्री लिखिछंती एप्रिल 7 तारीख रे लेखा जाइथिबा चिट्ठी रो कोनोसी उत्तर राज्य सरकार देइ नाहंती एपरिकि 2018 सेप्टेम्बर 10 तारीख रे स्थायी बेंच स्थापन को नै राज्य सरकार जेउ प्रस्ताव देइथिले ताहा भी असंपूर्ण अटे तेणु जसवंत सिंह कमिशन सुपारिश आधार हाइकोर्ट मुख्य विचारपति विचार विमर्श कर पूर्णांग प्रस्ताव देवा उचित एपरिकि स्थायी बेंच जोठी स्थापन हेबो से जमी कोठा विचारपति और कर्मचारी मानक आवासिक सुविधा दैनदिन प्रशासनिक खर्च संपर्क में ओडिशा हाइकोर्टर मुख्य विचारपति सम्मति आनी प्रस्ताव पठाइबा को चिठी में अनुरोध करछंती केन्द्रमंत्री जहाँफल केन्द्र सरकार आवश्यक पदक्षेप नहीं पारे चिठी में उल्लेख रही तेज केन्द्र आईन मंत्री को चिठी सामना कसिबा परे सरकार को टार्गेट करछंती विरोधी जो अदालत अवमानना केस चली तार सुनानी समय रे राज्य सरकार गोटे पटे कहते आम चाहूँ पश्चिम ओडिशा परमानेंट बेंच हो अपरपक्ष ओडिशा सरकार वकिल सुप्रीम कोर्ट रे कहली जे आउ परमानेंट बेंच आवश्यकता नहीं जेहेतु भर्चुआल कोर्ट होगला तेणु ये सब कन्फ्यूजन भितर लोके भावुले जे ए प्रसंग समाप्त होगा बोलकर किरण रिजुंकर ये पत्र आसला पुणी ये प्रसंगटा जीवित होगा एवं यही अवधारणा जोटा हेब नहीं रवधारणा समाप्त होगा तेणु हेब केवल अपेक्षा राज्य सरकार केवे पूर्णांग प्रस्ताव पठेबे एवं मुख्यमंत्री केवे मुख्य विचारपति सांगरे कथा हेबे गोटे धुआं बाण म देखै कि चिट्ठी लिखि दबा तोरा पानी लगार तथ्य स दियो जागा दियो अर्थ दियो खोली जाओ गरीब लोक माने पश्चिमांचल रो उपकार पात स्थायी बेंच स्थापन प्रसंग को नहीं पश्चिम और दक्षिण ओडिशा आंदोलन तीव्र रूप धारण करने भांगी सरकार आपरे मुख्यमंत्री केंद्र सरकार को चिठी लिखा सहित 2018 मार्च 8 तारीख में उन्नयन कमिशनर अध्यक्षत एक उच्चस्तरीय कमिटी गठन करते कमिटी में गृह अर्थ राजस्व और आईन विभाग सचिव मैंने सदस्य थे गृह विभाग स्वतंत्र सचिव एक कमिटर आवाहक थे 2019 अगस्त 30 एक कमिटर पुनर्गठन भी होता मात्र ए कमिटर स्थित एवं कौन कहीं हाइकोर्ट को सम्मति आने राज्य सरकार सक्षम होती तेज स्थायी बेंच दाबी वकिल मैंने आंदोलन कर 52 दिन है जेल रही 30 आईनजीवी बर्चु माने खाबार मन लागबार नि किछि ने मोर बरानी को दउते बेले मुटे खाउते नले नै देखले एक तंती एम में केना ने नेबे मोर झीके नेबे मोटे केना ने नेबे मुई तो मां है मुई ताता दुची है मुई दुची ता मुई है हैं मां मुई पढ़ै छे लिखै छे सब काम करै छे आ दुची ता मुई नै आ के है दुची ता मुई है मोर झीके छाड़ी देबे मोटे रखबे पुलिस अछन पुरना केस ते ओपन करबार अछन काय मतलब अछे किछि तो मतलब ही नै न तमे अछन पहला गुटे केस ते सारी दियो तब देख मां पुरना केस पुरना जहा हबा हबा तुम जो पुर्णा केस टाके खुलब फेर आउ तार पुर्णा केस टे खुलब तार काणा हबा तार पर अलगा काणा गुटे हबा काणा गुटे बाहर करब काणा करबार के चेष्टा करजन दमन करबा के चेष्टा करजन इटा हमकु स्थायी बेंच स्थापन प्रसंग को राज्य सरकार शीतल भंडार को ठेली देथवा बळे केंद्र आईन मंत्री निजवाड़ मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखिबा सरकार को अपारगता और आंतरिकता को पदारे पकाई प्रश्न उठी जे प्रसंग रे सरकार निजे गढ़ी सीआरपाल कमिशन 2014 मार्च 31 तारीख में रिपोर्ट राज्य सरकार को देते भी कहीं सार्वजन्य कर दिल्ली गगन विश्वकर्ष संबलपुर मलय भई और भुवनेश्वर दिव्यज्योति महांती रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।